मौजूद है मेरे पीछे, जो आप ये फॉर्च्यूनर गाड़ी देख रहे हो ना भाई, ये एक सरदार जी की है। और ये पीछे जो कोठी देख रहे हो, ये भी एक बार ध्यान से देख लो, ये भी सरदार जी की है। और इनके घर के अंदर चलेंगे, सुने फ्री में ना बड़ा कुछ बांट रहे हैं लोगों को। क्या बांट रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं एक बार, क्योंकि गाड़ी खड़ी है तो ऑब्वियसली अंदर ही होंगे। बेल बजा देते हैं भैया, खोलना एक बार। क्या हुआ? काम है, खोल दो भैया, भी बिजी है। सरदार जी का घर है ना ये? हाँ जी, हाँ जी, खोल दो बस फिर। भैया भी बिजी है। किसके साथ बिजी है? फैमिली के साथ बिजी है अभी। हाँ तो पॉलिटिकल इंसान है, फैमिली के साथ बाद में बिजी हो जाएंगे ना, पहले सवाल चाहिए। फिर भी आप ये देखो ना, फैमिली भी। एक बार दरवाजा तो खोलो। अच्छा कोई बात नहीं, आप आज सुबह दिन में आ जाते जी। ये कोई बात नहीं, जब टाइम लगेगा हम तो तब आएंगे। खोलो एक बार। वैसे तो बड़े बड़े मतलब वादे करते हैं, कभी भी आके कुछ भी पूछो हम तैयार खड़े हैं। रुको फिर, मैं दो मिनट के रुको, खोलो तो सही ना। पूछ तो आता हूँ मैं भैया। क्या पूछ आता हूँ भाई, आप टाइम है अभी भैया, फैमिली के साथ बिजी है ना? बोल दिया ना, पॉलिटिकल इंसान के लिए कोई टाइम की वो नहीं होती है, वो लोगों के लिए होता है, पता है ना ये बात? हाँ, ये भैया ने सिखाया नहीं। ये तो सिखाया है बट, लेकिन अभी तो देखो टाइम भी तो देखो ना, फैमिली के साथ भी स्पेंड करना चाहिए, करते हैं भैया, जैसे कि थोड़े बिजी रहते सारे दिन। तो भाई जैसा कि मैंने कहा, इस कोठी के जो मालिक है ना, और जो गाड़ी आपको मैंने बाहर दिखाई, फॉर्च्यूनर में चलते हैं भाई, लोगों को ना फ्री में बड़ा कुछ बांटने वाले हैं। ये क्या बांटने वाले हैं, एक बार अंदर चल के बात कर लेते हैं। अभी तो कह रहे फैमिली के साथ बिजी हैं। किस साइड से जाना भैया, किधर से? तो आप देख सकते हो, कह रहे थे फैमिली के साथ बिजी हैं। कैसे हो सर? कह रहे थे फैमिली के साथ बिजी हैं। पॉलिटिकल इंसान भी ऐसे मतलब गेट पे आपने इनको खड़ा कर रखा है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे ही ये ड्राइवर है, भाई है मेरा छोटा साहिल। एक बार थोड़ी सी उधर हो जाएं, थोड़ा सा ना कैमरा में वो हो रहा है। छोटा भाई तो है, ठीक है। छोटे भाई को ये नहीं बताया पॉलिटिकल इंसान कैसे होते हैं, मतलब फैमिली तो शायद पॉलिटिकल इंसान की प्रायोरिटी होती है जनता। बिल्कुल जनता है। और आप तो वैसे ही बड़ी मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भाई हम तो हमेशा तैयार हैं जनता के लिए, जवाब देने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई फैमिली के साथ बिजी हैं, कह रहे हैं दिन में आना चाहिए था, रात को क्यों आ गए? पहले तो नीरा जी, आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके दर्शकों का जो टिप टॉप हरियाणा चैनल देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के अपनी राम राम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। और आप यहाँ पर आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। राम राम और सत श्री अकाल तो सबने ले भी ली होगी, मेरे व्यूअर्स ने। अब इनसे सवाल कर लेते हैं भाई, बहुत दिन हो गए। मैंने ना आज मैं असंध गई थी, आपका इंटरव्यू लेने का दिमाग में ख्याल पता कैसे आया भाई, पूरे शहर के अंदर ना एक ही बंदे की होर्डिंग्स मेरे को नजर आई और चेहरा था इन सरदार जी का। अब पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या है कि पूरे शहर के अंदर सिर्फ अमन वड़ैच क्यों भाई, या होर्डिंग्स क्यों लगवाई जा रही हैं? क्या बात, मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट? देखिए उस होर्डिंग पे एक मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर के माध्यम से कुछ लोग जिनको ज़रूरत है, जिनकी हम आवाज़ बन सकते हैं, जैसे पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, ऐसे मैं समझता हूँ जो सेवादार हैं, जो सेवा के करना चाहते हैं, या कुछ एनजीओज हैं, उनके नंबर वायरल होंगे तो तभी उनको लोग देख पाएंगे। इसलिए अपने होर्डिंग अमनदीप सिंह जुंडला के नाम से लगाए हुए हैं, और कुछ पार्टी के, और कुछ बधाई दी हुई है मैंने, आप देखो उस पर स्वतंत्रता दिवस। आपकी पार्टी का तो बीजेपी कहती है, यहाँ पर तो अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी का तो अब क्या बोलें, वो उनको तो अपना अस्तित्व लगता है, दूसरों को दिखते ही नहीं है, उसका पता तो उनको 2024 के चुनाव में लग जाएगा। और आप लोगों का कोई स्टैंड है कि नहीं है, बिन स्टैंड के साइकिल हो, ये तो बता दो। बताइए आप कैसे स्टैंड है, बिल्कुल स्टैंड है। जो मेरे को तो लगता है ये आम आदमी पार्टी वाले ना बिना स्टैंड के साइकिल जैसे हैं, बताऊं क्यों? पहले तो भाई कांग्रेस को जी भर के इन लोगों ने गालियां दी, अब कांग्रेस वालों के ही जाके गोद में बैठ गए। पहले इन्होंने इतने ज्यादा उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, सब कुछ किया, अब सेंटर लेवल पे इंडिया नाम से एक पार्टी बना ली मोदी जी के अगेंस्ट। सही कह रही हूँ? देखिए हम कांग्रेस के साथ नहीं है, ये भारत की जनता के लिए, उनके हित के लिए एक आवाज उठाई जा रही है, जो कि पूरा इंडिया एकमात्र इकट्ठा हो रहा है कि इस देश को और इस संविधान को बचाने के लिए जो
मैं अपनी जो मेरी निजी राय है बिल्कुल, मतलब अब आप लोगों को कांग्रेस अच्छी लगने लग गई। थोड़े दिन पहले तक तो धरने कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, कह रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, हमारी पार्टी आएगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है उनको अंदर करवाएंगे। अब उन्हीं की गोद में जाकर आप लोग बैठ गए हो। बिल्कुल 100% अंदर करवाएंगे और आज भी उस चीज पे कायम है और आज भी हम कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के साथ नहीं है कैसे कह रहे हैं? कांग्रेस के साथ नहीं है, पार्टी बना ली, कोलैबोरेशन कर ली और कह रहे कांग्रेस के साथ नहीं है। तभी तो मैंने कहा था बिना स्टैंड के साइकिल है आपकी पार्टी। आप मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं और क्या। मैं किस पार्टी को बिलोंग करती हूँ? मैं तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, ये जनता बता देगी मैं किस पार्टी को। मैं मेरा तो सवाल करने का तरीका हर किसी से ही है, चाहे आप कोई बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, आम आदमी पार्टी का नेता हो या किसी अन्य पार्टी का नेता हो। बिल्कुल, ये माइक हाथ में आने के बाद मुझे भी नहीं पता होता सवाल मेरे मुँह से क्या निकलने वाला है। माइक आते ही आपको ये नहीं पता होता कि सवाल नेता से पूछने हैं, उनका जवाब भी लेना है या खुद ही जवाब दे दोगे? आप सवाल करते रहोगे तो सवाल का जवाब कौन दे देगा? सवाल के जवाब आपने दिए तो आप दे तो रहे हो, और किस तरीके से दो ना, दो ना, बिना स्टैंड के साइकिल हो, बिना स्टैंड के साइकिल आपकी पार्टी। मैडम देखिए, आप नीरा जी जो मर्जी कह सकते हैं, आपको कहने का राइट है, पर लेकिन भारत की जनता के लिए उसके साथ चाहे कुछ भी समझौता करना पड़े, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इकट्ठे होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संविधान आज खतरे में है और आज ये देश बिक रहा है। पहले थप्पड़ मारो सामने वाले को, फिर जाकर उसी को पुचकार दो, उसी की जाकर गोद में बैठ जाओ। ये कह रहे हैं ऐसे ही इकट्ठे होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना कि कांग्रेस के साथ एक कोलैबोरेशन है, ये तो पूरे इंडिया की एक जरूरत। स्टेट लेवल पर भी करोगे ये कोलैबोरेशन? नहीं मैडम, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूं। जो पार्टी हित में जो बड़े सीनियर लीडर फैसला लेंगे उसी पे हम कायम है। आम आदमी पार्टी को खुद पे विश्वास नहीं था क्या कि कोलैबोरेशन करनी पड़ गई? नहीं, आम आदमी पार्टी को किसी के कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया की जनता आज चाहती है कि इकट्ठे होके सारे राजनीति छोड़ के भारत के संविधान को बचाया जाए, जो कि आज अंग्रेजों का राज दोबारा आ चुका है, उसको उखाड़ने के लिए किसी तरीके जो हिटलर शाही हमारे ऊपर चल रही है उसमें इकट्ठे होने के लिए कोई बुराई नहीं है। कह रहे अंग्रेजों का राज दोबारा आ चुका है, मुझे भी बता दो कैसे आ चुका है? आप देखिए, जो आज तेल पे टैक्स है, आज दालों पे टैक्स है, खाने पीने की सभी चीजों पे टैक्स है, वो तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। मतलब आपकी तरह फ्री की रेवड़ियां सब बांटे तो सारा कुछ ठीक, नहीं तो अंग्रेजों की तरह राज आ चुका है, ये कहते हो आप? देखिए, जो नेता अपने आप की फैसिलिटियां लेते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, एसी कमरों में सोते हैं। लंबी गाड़ी तो मैंने इनकी भी बाहर आपको दिखा दी, वीआईपी नंबर भी था उस पे। बिल्कुल बिजनेसमैन है और भगवान का दिया हुआ, एक छोटे से परिवार से उठ के सब कुछ दिया है और भगवान ने मौज कर रखी। लंबी गाड़ी में चलना कोई गलत तो नहीं? मैडम मैं सरकारी लंबी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो कि सीएम हाउस में खड़ी आपको लंबी लंबी कतारें दिखेंगी, जो वो फ्री ले सकते हैं तो जनता फ्री क्यों नहीं ले सकती? जनता का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, ना कि किसी की बाप की प्रॉपर्टी। आप क्या टैक्स मुक्त कर दोगे क्या? नहीं, टैक्स मुक्त जो जनता टैक्स का पैसा देती है उससे उसको फैसिलिटी देंगे, जैसे दिल्ली में दी है, जैसे पंजाब में देंगे, उनको बिजली फ्री देंगे। क्या 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 फ्री देने वाले? बिल्कुल, जो गरीब आदमी का राइट है बिजली फ्री देंगे उनको। महिलाओं को दिल्ली के अंदर 1000 रुपया 18 साल की हमारी बहनों को दिया जा रहा है। वहाँ दिल्ली के अंदर आप देखिए बसों का किराया फ्री है, आप अच्छे जो स्कूलिंग है आप देखिए हमारे बच्चों को शिक्षा कितनी अच्छी, कितने स्तर पर स्कूल बनाए गए हैं दिल्ली में, आप ये दिखाइए ना पत्रकार भी दिल्ली में। करनाल की अगर मैं बात करूं, इनका अभी तक शायद कार्यालय बना तो नहीं ना सर? बिल्कुल, या मुझे गलती लगी? देखिए गरीबों की पार्टी है, इसका कार्यालय सभी के गरीबों की पार्टी है, कार्यालय नहीं बनाते, लेकिन जब मीटिंग्स होती है ना तो आपको ये रबड़ी भी खिलाएंगे और खीर भी खिलाएंगे महंगी महंगी, और बढ़िया सा लंच भी करवा के भेजेंगे, क्योंकि आते ही लोग तभी है इनकी पार्टी में। सही कह रही हूं? हम रिक्वेस्ट करते हैं नीरा जी, आप में कोई प्रोग्राम है आप कर लो, हमारी पार्टी तो आपके वहां पर आके भी मीटिंग कर लेगी, हमारे पास इतना चंदा नहीं है, इतने पैसे नहीं है। तो कह रही हूं सर, चंदा नहीं है तो फिर आप इतने बढ़िया बढ़िया लंच डिनर कैसे करा देते हो? या फिर सिर्फ उन्हीं नेताओं को लिया जाता है जिनको सारी पार्टियां निकाल देती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नीरा जी, आप ये देखिए कोई पार्टी का नेता ऐसा नहीं है जिसको सारी पार्टियों ने निकाल दिया है, वो व्यक्तिगत किसी का फैसला होता है कि उसने किस पार्टी में क्या काम करना है, किस में उसको सूटेबल कर रहा है कि ये पार्टी अच्छी है, उसके विचारों की लड़ाई है। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रही है, पर लेकिन हमारी पार्टी के पास बहुत कम रिसोर्स। पार्टी में और जनता में रहते हो ना, पार्टी में अगर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उठते
में बैठते हो तो आपको अच्छे से पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं इसको बिल्कुल मतलब अपने कार्यकर्ताओं में उठते बैठते नहीं हूँ। कौन है जो ऐसा जिसको कई पार्टियों ने निकाल रखा, मुझे तो इसके बारे में नहीं। मैं बात कर रही हूँ रबड़ी और रसमलाई की, आप तो किसी और चीज पर चले। नहीं मुझे नहीं पता उनको निकाल रखा है नहीं, और टचवुड मेरे को नहीं पता इस बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आगे इलेक्शन आने वाला है, क्या आप भी लड़ने वाले हैं? क्या इसलिए सारी पब्लिसिटी हो रही है, इसलिए होर्डिंग्स लगवाई जा रही हैं, इसलिए जनता का सेवक बना जा रहा है कि टाइम नजदीक है, समय कम है, चलो भाई लग जाओ, उतर जाओ फील्ड में, दिखावा ही सही। नहीं, थोड़ा जनता की सेवा के लिए हम लोग काम जो कर रहे हैं कोई आज से नहीं कर रहे नीरा जी, 2008 से ही पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, और वो पब्लिक अच्छी भलीभांति जानती है। और यही बात दूसरी इलेक्शन लड़ने की, कोई जरूरी नहीं है कि अमनदीप ही वहाँ का कैंडिडेट हो और वहाँ इलेक्शन। बैकग्राउंड तो सर आपका भी बीजेपी का था, अब क्या हो गया? मतलब पहले तो बीजेपी 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 उनके झंडे भी उठाए और नारे भी लगाए, अब जाकर पार्टी एकदम से फ्लिप मार गई और आ गए आम आदमी पार्टी में, ऐसा क्या हो गया? बीजेपी वालों ने आपको भी धोखा दे दिया, दिल तोड़ दिया क्या? मैंने ऑफिशियली कभी बीजेपी ज्वाइन ही नहीं की नीरा जी। आप देखेंगे, एक मेरी रिश्तेदारी के कारण, भाईचारे के कारण मैं सरदार बख्शीश सिंह के साथ बीजेपी में आया था, पर लेकिन और अब आगे आने वाले टाइम में उन्हीं के अगेंस्ट भी खड़े होंगे। बिल्कुल, ये तो होता ही आया है हमेशा, जो उन्होंने काम कर रखा है तो उन्होंने डर किस बात का है, और मेरे को तो कोई डर नहीं है। जो पार्टी खड़ा करेगी तो बिल्कुल होऊंगा, और जो संत की जनता मेरे को पे प्यार करेगी, भरोसा करेगी, मेरे पे विश्वास करेगी, बिल्कुल खड़े होंगे, नहीं तो नहीं भी होंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब पार्टी अगर किसी और को टिकट देती है तो पार्टी से भाग तो नहीं जाओगे, जैसे अभी अभी कुछ आपके और नेता भी भागे हैं पार्टी छोड़ के, वो कहते हैं मेरी गलती थी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना। देखिए, ना तो किसी पद का लालच है, ना ही किसी टिकट का लालच है, जितना हो सकेगा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ और संत की जनता को भी टाइम देता हूँ, और भी जहाँ पर मेरे से सेवा हो सकती है वहाँ पर करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई टिकट मिले ना मिले, ठीक है मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के विचार अच्छे लगते हैं, उनका काम करने का तरीका अच्छा है, इसलिए उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं। आने वाले समय में भाई इन्होंने तो कह दिया कि असंत से ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, असंत की जनता जरूर कमेंट कर बताए कि क्या अगर इन्हें पार्टी टिकट देती है, अगर अमनदीप वड़ैच राइट अमनदीप सिंह जूंडला अगर असंत विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग इन्हें वोट देंगे या नहीं देंगे, या आप लोगों का फेवरेट कैंडिडेट कौन है, या फिर किसे आप चाहते हैं कि जनता के बीच में आकर वो काम करे? अगर आपको देती है जनता मौका, पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने भी आपको वोट दे दिया, क्या काम कराओगे? असंत में ऐसी क्या चीज है जो अब तक न्यू ईयर आते ही आप सबसे पहले उस पर लगोगे, सिर्फ बातें नहीं होंगी? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है और संत की जनता को जरूरत है, वो हमारे बच्चों का भविष्य है, शिक्षा और चिकित्सा, दो चीज़ें हर देश में होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए, सबसे पहला काम हमारा हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पर डेवलपमेंट रुकी हुई है, आप देखिए सड़कों का बहुत बुरा हाल है, आप संत शहर को ही बात कर लीजिए तो संत शहर के अंदर संत की जनता तो कह रही है कि मतलब बीजेपी के समय में सड़कें बहुत अच्छी हो गई हमारी, आप कह रहे हो सड़कों की बुरी हालत है, कौन से एरिया की बात कर रहे हो सर, और आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो? देखिए, वही सड़कें इनके जीटी रोड बने हैं जहां पर टोल टैक्स किलोमीटरों के हिसाब से लगता है, जो लोकल गांव की सड़क है। आते ही टोल टैक्स हटवा दोगे क्या? विधायक अगर बन गए, आते ही टोल टैक्स हटवा दोगे क्या? बिल्कुल 500%, ये तो भगवान ने कभी मौका दिया, ये जो संत के बीच में जो टोल टैक्स लगा है प्योंत वाला, ये तो शायद ये भले का काम भगवान मेरे से ही करवा ले, जो संत की जनता को इतना दुखी किया और इन पुराने जो सत्ताकार थे उनकी धक्काशाही के कारण ये टोल लगा हुआ है, और बिल्कुल हटाने की कोशिश करेंगे, और परमात्मा ने चाहा तो हटा भी देंगे उसको। अच्छा, मतलब टैक्स नहीं लोगे तो फ्री की रेवड़ियां कैसे बेचोगे? एजुकेशन वाली जो दे रहे हो और जो अलग अलग फ्री की रेवड़ियां आप लोग बांटने वाले हो या बांटते आ रहे हो, टैक्स नहीं लोगे तो कैसे करोगे? हम कब कह रहे हैं, टैक्स हमेशा जो होता है, जनता हर चीज पे टैक्स देती है। आज आप तो नीरा जी सो जाते हो, जब पंखा चलता है ना तो उसका टैक्स भी सरकार को जा रहा है, आपने ये सैंडल भी डाल रखे हैं तो ये टैक्स देके खरीद रखे हैं, आपके हाथ में वॉच है, ये माइक है ना, ये भी टैक्स देके खरीद रखा है, हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, तो जो सरकार हमें बदले में सरप्लस पैसे के उस पे हमें क्यों नहीं देती हमारी चीजें, हमें जरूरतों की, एक गरीब आदमी को आप लोग ठीक हो, भगवान ने हमें संपन्न कराया ठीक है, पर उन गरीबों के घर जाके भी देख लो जिनके छत गिरने वाले हैं। अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं ना, अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं तो गरीब तो भाई गरीब ही रहने वाला है, चाहे आ जाए आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। बड़े बड़े वादे तो ये लोग कर देते हैं इलेक्शन से पहले, हाथ जोड़कर व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के आप लोगों के घर में भी आएंगे। सही कह रही हूं। देखिए नीरा जी, आपकी पता नहीं क्या भावना है, पर मैं तो भगवान से कहूंगा कि इस देश में कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए और पूरे संसार में गरीब ना हो। एक दिन गरीब जिसको, जो गरीब है ना उसके घर जाके देख लेना, परमात्मा
आत्मा किसी को गरीब ना बनाए। ये किसी राजे के घर में पैदा होके सोने के चम्मच में अमृत पी के ना सारों को ये बातें आती है, पर जब गरीब के घर में जाओगे ना, जब उसका घर टपकता है, जब उसके घर में रात आप देखिए भी रोटी पकनी है या नहीं पकनी, उसकी जरूरतें देखिए, जो ये राशन कार्ड पे राशन मिलता है वो भी 18 रुपए किलो आटा बेच के और वो 35 रुपए किलो दोबारा खरीदते हैं उसी आटे को। इतनी धांधली मचाई गई है इस सरकार के माध्यम से, गरीबों का इसके साथ मजाक किया जा रहा है। कौन सी पंजाब में तो सरकार आपकी है, अब अगर हरियाणा में भी आ जाती है तो भाईचारा तो बड़ा ज्यादा गहरा हो जाएगा, है ना? ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए एसवाईएल का मुद्दा बहुत बड़े लेवल का है और अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि हमेशा एसवाईएल पे ये प्रधानमंत्री लेवल का मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी को इसको सुलझाना चाहिए। मतलब आपके सीएम साहब कुछ नहीं कर सकते? हम जवाब लो मैडम, पूरा लो ना, दूंगा मैं जवाब इस बात पे। आप ये देखिए, जब बादल की सरकार थी, जब उनका बीजेपी से टाई अप था, सेंटर में भी बीजेपी थी, तब क्यों नहीं इन्होंने किया? तब मोदी जी ने क्यों नहीं किया एसवाईएल का? अब कर दें, अब भी सेंटर में उनकी सरकार। दूसरे पे आरोप क्यों लगा रहे हो? आप अपना जवाब दो ना। जब मोदी जी कहते थे, उनकी वीडियो उठा के दे दिए, सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है, मैं पाकिस्तान का पानी रोक के हरियाणा को दूंगा, राजस्थान को दूंगा, कहां गई वो बात? आप क्या करोगे वो तो बताओ, आपकी पार्टी क्या करेगी? सीएम साहब आपके हैं जी। हमारी पार्टी जिस दिन तीनों जगह होगी, हरियाणा में भी होगी, सेंटर में भी होगी, तो इसका जरूर सोल्यूशन निकलेगा। हमें केजरीवाल जी पर पूरा विश्वास है और 100% सोल्यूशन निकलेगा इसका। असंत की जनता के बीच में जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं। आप चेयरमैन के इलेक्शन तो फिर भी हार गए थे आप लोग, देखिए जोर शोर लगाने के बाद। हमारी पार्टी बिल्कुल नई पार्टी थी और इतना प्यार मिला, मैं कहता हूं बहुत ही अच्छे वोट मिले हमें, 1400 वोट मिले थे संघ में, कोई कम नहीं मिले। फर्स्ट टाइम एक एंट्री बहुत अच्छी संघ ने किया, संघ के लोगों का, संघ की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी इतनी अच्छी एंट्री करवाई है। तो आने वाले समय पक्के आप इलेक्शन लड़ने वाले, टिकट मिलती है? देखो जो संत की जनता का प्यार मिलेगा, हमारी पार्टी में टिकट ऊपर से नहीं मिलती, जो ग्राउंड से मिलती है, जिसका सर्वे ठीक होगा, जो जनता का दिल में बसता है उसको टिकट मिलती है। और कोई जरूरी नहीं है, कोई साइकिल वाला भी विधायक हो सकता है। फ्री का क्या क्या दोगे फिर? बिल्कुल जो दिल्ली में दिया है वो ही यहाँ पर हरियाणा में बिल्कुल देंगे। माताओं को 1000 रुपया भी देंगे फ्री के अंदर, माताओं का किराया फ्री है बस का दिल्ली के अंदर, यहाँ भी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, सबसे जरूरी चीज़ है जो बिजली वो फ्री करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे हॉस्पिटल बना के देंगे, अच्छे स्कूल बना के देंगे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। जैसे बाबा साहब ने एक बात कही है, जो शिक्षित है वही देश विकसित है, तो उनके एजेंडे पे हमारी पार्टी बिल्कुल काम करती है और डट के करेंगे। और जो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हो सका उनका टैक्स का पैसा नेताओं की जेब में न जाके वापस जनता को जरूर देंगे, इसी रूप में देंगे। तो ये थे हमारे साथ अमनदीप सिंह, जो कि आने वाले समय में असंध से चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले समय में असंध की जनता किसको विधायक के रूप में देखना चाहती है वो भी ज़रूर बताइएगा। इन्होंने तो हमेशा की तरह अपनी फ्री की रेवड़ियाँ भी तो बातों में बेच दी, अब देखना ये कि आने वाले समय में जो ये बड़ी बड़ी फेंकी है सिर्फ हवा में बातें रहने वाली हैं, या ग्राउंड लेवल पर हकीकत में भी ये लोग कुछ करने वाले हैं और जनता इन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं, इस नई पार्टी को, या फिर इन्हें मौका देती है या नहीं, ये तो टाइम बताएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे